केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष ने खटीमा विधायक एवं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति को पर्यवेक्षक बना की जिम्मेदारी सौंपी है। बता दें कि सत्ताधारी दल भाजपा की ओर से पर्यवेक्षक नियुक्त करने के साथ ही मंत्रियों को भी मोर्चे पर लगाया गया है। भाजपा विधायक खजान दास ने कहा कि उपचुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियां पूरी हैं, पार्टी की जीत तय है। बता दें कि केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत के निधन से खाली हुई सीट पर जल्द ही उपचुनाव होना है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष आदरणीय करण मेहरा जी ने केदारनाथ उपचुनाव में पर्यवेक्षण करने के लिए दो वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगाई है। उनको पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति किया है और हमारे जो विधानमंडल दल के उपनेता हैं भुवन कापड़ी जी और जो हमारे झबरेड़ा के विधायक हैं वीरेन जाति जी, इन दोनों वरिष्ठ नेताओं को केदारनाथ चुनाव में पर्यवेक्षक की भूमिका में नियुक्त किया है और इनसे माननीय अध्यक्ष जी ने अपेक्षा की है कि वो यथाशीघ्र जाकर वहाँ के कार्यकर्ताओं से बातचीत करके और उम्मीदवार के संबंध में और उस क्षेत्र की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे ताकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को उसका परीक्षण किया जा सके और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से विचार विमर्श किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हर समय तैयार रहती है और हमारी तैयारी आज से ही नहीं, हम लगातार हमारा संगठन काम करते रहता है और सजगता से काम करता है, इसलिए हमें कोई भी किसी बात की कोई चिंता नहीं है और कोई भी सामने हो हम हर समय तैयार है और भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ का चुनाव भारी मतों से जीतेगी।